नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रजनीकांत ओझा। आजकल रूस और यूक्रेन का युद्ध बहुत भयानक रूप लेता जा रहा है। युद्ध हमेशा से ही विनाशकारी होता है। अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो समूह के कई यूरोपीय देश भी रूस का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। मानवीय संवेदनाओं को नज़र में रखते हुए भारत के कुछ लोग भी यूक्रेन के साथ में हैं, परंतु हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि रूस हमारा शुरू से ही दोस्त रहा है और उसका बहुत बड़ा कर्ज रहा है हमारे ऊपर। यदि रूस ना होता तो भारत का नक्शा कुछ और ही होता। 16 दिसंबर 1971 को भारत ने पाकिस्तान को जंग में करारी शिकस्त दी थी और इसके फलस्वरूप बांग्लादेश, पहले पूर्वी पाकिस्तान था, का उदय हुआ। इस युद्ध में पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों ने भारतीय सेना के सामने आत्मसमर्पण किया था। यह इतिहास में दूसरे विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा सैन्य आत्मसमर्पण माना जाता है। भारतीय सेना की जंबाजों के आगे पाकिस्तानी सेना ने महज 13 दिन में ही घुटने टेक दिए थे। भारत पाक युद्ध के दौरान एक समय ऐसा भी आया जब अमेरिका पाकिस्तान की मदद के लिए आगे आ गया था। अमेरिका ने जापान के करीब तैनात अपने नौसेना के 7वें बेड़े को पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी की ओर भेज दिया था। इसके पीछे का कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति निक्सन और भारतीय प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के बीच संबंधों का अच्छा ना होने को भी बताया जाता था। 1971 के समय अमेरिका और पाकिस्तान के संबंध काफ़ी मजबूत माने जाते थे। अमेरिका ने पाकिस्तान को कई अत्याधुनिक हथियार दिए थे। पाकिस्तानी नौसेना की PNS गाजी भी अमेरिका द्वारा निर्मित की गई एक अत्याधुनिक पनडुब्बी थी, जिसे हम गाजी फिल्म में देख सकते हैं। इसे भारत के विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत को तबाह करने के लिए भेजा गया था। हालांकि भारतीय नौसेना ने इसे विशाखापत्तनम के पास डुबो दिया था और पाकिस्तानी नौसेना की कमर तोड़ दी थी। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े में USS एंटरप्राइज नामक परमाणु शक्ति से लैस विमानवाहक युद्धपोत और अन्य विध्वंसक पोत आदि शामिल थे। इस बेड़े को उस समय दुनिया के सबसे शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ों में से एक माना जाता था। USS एंटरप्राइज बिना दोबारा ईंधन की जरूरत के दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने की क्षमता रखता था। यह भारत के विमानवाहक युद्धपोत INS विक्रांत के मुकाबले बहुत ज़्यादा बड़ा था और मजबूत भी था। अमेरिका ने इस बेड़े को बंगाल की खाड़ी में भेजने के पीछे बांग्लादेश में फंसे अमेरिकी नागरिकों को बाहर निकालना बताया था। हालांकि आगे चलकर यह बात सामने आई कि इस बेड़े का मकसद तत्कालीन पूर्वी पाकिस्तान में युद्ध लड़ रही भारतीय सेना पर दबाव बनाना था। अमेरिकी नौसेना के 7वें बेड़े के भारत की ओर बढ़ने की खबर के बाद भारत ने रूस से मदद मांगी थी। युद्ध शुरू होने के कुछ महीने पहले ही भारत ने रूस के साथ सोवियत भारत शांति मैत्री और सहयोग संधि की थी। अमेरिकी नौसेना को बंगाल की खाड़ी की ओर बढ़ता देख रूस ने भारत की मदद के लिए अपनी परमाणु क्षमता से लैस पनडुब्बी और विध्वंसक जहाजों को प्रशांत महासागर से हिंद महासागर की ओर भेज दिया। अमेरिका का 7वां बेड़ा जब तक पाकिस्तान की मदद करने के लिए बंगाल की खाड़ी में पहुँच पाता, उससे पहले ही 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सेना ने भारत के सामने घुटने टेक दिए और आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि रूस की नौसेना ने 7वें बेड़े का पीछा तब तक नहीं छोड़ा जब तक वह वापस नहीं लौट गया। भारत और पाकिस्तान के बीच जारी युद्ध के दौरान अमेरिका सहित कई अन्य देश पाकिस्तान के समर्थन में खड़े थे। अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में युद्ध विराम का प्रस्ताव लाकर पाकिस्तान की मदद करने की कोशिश की। हालांकि रूस ने इस प्रस्ताव पर वीटो करके भारत की मदद की थी। इस कारण से भी रूस को भारत का सदाबहार दोस्त माना जाता है। धन्यवाद दोस्तों, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें।